कोविड-19 का आपको फुल फॉर्म मालूम है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, मैं यहाँ बताने नहीं आया हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये मेरे देश के प्रवक्ता हैं बड़ी पार्टी के, जिनको कोविड-19 मालूम नहीं है। नहीं मालूम है, ये तैयारी है। एक सेकंड। बीजेपी के मशहूर प्रवक्ता संबित पात्रा अक्सर न्यूज डिबेट्स में दिखाई देते हैं, कभी विपक्ष को सवालों में घेरते हुए और तो कभी खुद ही विपक्ष के सवालों में घेरते हुए। एबीपी न्यूज पर कोरोना वायरस के मुद्दे पर एक डिबेट में वे विपक्ष के सवालों में घिरते हुए नजर आए। संबित पात्रा से जब कांग्रेस प्रवक्ता ने कोविड-19 की फुल फॉर्म पूछी तो संबित पात्रा इस पर गोलमोल जवाब देते दिखाई दिए। डॉक्टर साहब हैं, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, कोविड-19 का आपको फुल फॉर्म मालूम है डॉक्टर साहब? ओ, अब आप लोग बता रहा हूँ, यही सब होगा, बताइए ना, मतलब कोविड-19 का मतलब यही सब होने वाला? आप डॉक्टर है ना, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं यहाँ बताने नहीं आया हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताइए, पूछिए, आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोविड उनको मत बताइए, कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछिए इनसे। मैं बताऊंगा, तैयारी भी ना आपने बताऊंगा, जब ये तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सरकार क्या बताए? बताइए, टेस्ट नहीं हो रहा, कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछिए इनको, मैं बता रहा हूँ क्या सीरियस बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे देश के प्रवक्ता है बड़ी पार्टी के, जिनको कोविड-19 मालूम नहीं है। सर मैं ये नहीं समझ पाती हूँ डॉक्टर, क्या कोविड-19 की बात कर रही है? मैं जवाब दे रहा हूँ, डॉक्टर मत बताइए, एक मिनट जवाब सुन लीजिए। सर आप ही पूरा जवाब दे दीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब भी संबित पात्र आते हैं डिबेट के लिए तो कांग्रेस की तरफ से आकर कोई जीरो पूछने लगता है, कोई कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछने लगता है, कोई चौपाई की बात करने लगता है। सीरियस नहीं है ये, मजाक करते हैं अभी जो ड्रामा चालू किया। अच्छा, आपने सवाल पूछा, जवाब तो देख लीजिए ना, वो देना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं, कोविड-19 का फुल फॉर्म, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए सर, ऐसे नहीं सर, ठीक है, हम कोरोना पे डिस्कस कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोरोना लगता है इस प्रकार के बचपने से नहीं, बचपना कैसे हुआ? चलिए ठीक है, आप बता दीजिए। देखिए डॉक्टर है नेशनल टीवी पे, एक डॉक्टर साहब कोविड-19 का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं, ये देखिए इनकी सीरियसनेस है। अब सुन लीजिए, हो गया हो गया, हम कोरोना वायरस पे ही डिस्कस कर रहे हैं भैया, अभी भी ये फुल फॉर्म नहीं जान पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? कोविड-19 का फुल फॉर्म मालूम है आपको? क्या हो रहा है? अरे आपको पता है तो आप बता दीजिए ना, क्या हो रहा है? नहीं, रुकिए रुकिए, वायरस डिजीज, मैं तो बोल रहा हूँ कोरोना पे कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कोविड-19 मालूम नहीं है। दस बार कोरोना बोलने पे समझ नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर है कोविड, कोविड-19 मालूम ही नहीं है, बोल तो रहा हूँ 19 क्यों बोलते, बताइए गॉड, ये क्या हो रहा है? बता दीजिए, चलो क्या है? नहीं मालूम है, ये तैयारी है। एक सेकंड रोमाना जी, मैं जवाब देना चाहूंगा, इस तरीके से, इस तरीके से देश को बचाएंगे आप? यहाँ जनरल नॉलेज टेस्ट ले रहे हो, जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म मालूम नहीं है और देश को सीरियसनेस की बात कर रहे हैं? जवाब, मैं जवाब सुन लीजिए, आप जल्दी से बताइए, क्यों कह रहे हैं और उसके बाद बोलना चाह रहा हूँ। 31 दिसंबर 2019 को अच्छा, पहला केस चाइना में हुआ, इसीलिए इसको कोरोना वायरस डिसीज 19 बोलते हैं। सर अब पॉइंट नंबर वन, ज्ञान दिखा, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपका हो गया प्लीज। जनवरी में पहला केस इंडिया में आता है, इनकी सीरियसनेस में दिखा रहा हूँ, पहला केस जनवरी में हुआ, फरवरी में ट्रंप की आता सकता है, दिल्ली में लगे हुए हैं पूरे महीने में, कभी प्रधानमंत्री ने उसको सीरियस नहीं लिया, राहुल गांधी ने 12 तारीख को ट्वीट किया कि आप इसको पॉजिटिव तरीके से लिया कि ये बहुत सीरियस मैटर होने वाला है, प्लीज इसको आप देखिए, सरकार देखे, 15 दिन तक कोई सरकार की कोई मैसेज नहीं, 1 तारीख से केसेस चालू है, मैं आंकड़ा लेके आया हूं रोमाना जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, और आज 2 दिन में 30% आंकड़ा बढ़ा है कोरोना वायरस का, आप रिपीट कर रहे हैं, आप ये बता, और 5,900 स्क्रीनिंग हुए देश में, सिर्फ 5,900, कौन से मुंह से ये बात कर रहे हैं? जिनको मालूम नहीं है, फुल फॉर्म नहीं मालूम है, ऐसे लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, यहाँ पे हमको ज्ञान बांटते हैं, हमको मालूम है विपक्ष के तरफ की क्या जिम्मेदारी। कोरोना वायरस एक बहुत ही गंभीर विषय है और हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार और विपक्ष इससे निजटने के लिए हर कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.